एक इतने सारे ऊंट जो है, इतनी सारी ऊंट की जो है कुर्बानी वो यहाँ पे JDC में ही होती है। यहाँ से भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज का ये सिप्पी है। दोपहर का टाइम है और ये सारे जानवर इस वक्त खड़े हुए हैं। इन सारे जानवर को जो है ना पहले यहाँ पे बांधा गया था, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी होने वाली कुर्बानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नजर शाह, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज एक बार तो फिर इस वक्त हम मौजूद हैं हाउस ऑफ JDC पे और अपने व्यूअर्स की, अपने सब्सक्राइबर की फरमाइश पे हम यहां पे दोबारा JDC के एनिमल्स को कवर करने आए। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त जो हम आपको आज यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो सिब्बी का बैल है JDC का, ये चेक करें भाई इसका साइज़ देखें आप माशाल्लाह से। ये कैमरे में भी नहीं आ रहा, बहुत बड़ा साइज़ है। कम से कम ये 7 फीट से भी जो है इसकी प्लस इसकी हाइट है। साइज़ देखें माशाल्लाह से, क्योंकि जो है हमारे सब्सक्राइबर जो थे, जो हमारे व्यूवर्स थे, उन्होंने हमसे कहा था कि मजीद यहाँ पे जैसे जैसे एनिमल्स आते जा रहे हैं आप दिखाते जाएँ। और क्योंकि आज यहाँ पे जो है वो ऊँट भी आ चुके हैं, क्योंकि जो अली शेखानी साहब की जानिब से तकरीबन 100 से 200 ऊँट देने का कहा गया था, वो भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में ऊँट पहुँच गए। तो सबसे पहले हम आपको सिब्बी का बैल दिखा रहे हैं, इसका साइज़ देखें माशाल्लाह से। उसके बाद फिर ये भैंसा देखें भाई, इसका साइज़ तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये इस वजह से भी बड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके बराबर में जो है ना ये इतना बड़ा जहाज़ खड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है ना इसके सामने ये बहुत छोटा लग रहा है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम आपको दिखाएं तो ये देखें भैंसा है, लेकिन अमूमन नॉर्मल भैंसों की हाइट इतनी ही होती है, लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें कि बहुत छोटा लग रहा है ये भैंसा। तो ये चेक करें ये, उसके बाद ये देखें ये बराबर में भैंसा है। अच्छा, इसको भी अगर यहाँ से कंपैरिजन करें तो ये देखें भाई उसके सामने बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि सिब्बी का जो साइज़ है ना माशाल्लाह से भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ का ये सिब्बी है। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में जो है ना इतना बड़ा सिब्बी पहली मरतबा देखा है। अच्छा, ये भैंसे जो है ये हमने आपको पहले दिखा दिए थे, लेकिन हम क्योंकि पहले ये जानवर कुछ बैठे हुए थे, लेकिन आज जो है दोपहर का टाइम है और ये सारे जानवर इस वक्त खड़े हुए हैं, तो इसलिए हम आपको दोबारा से इनको सही से प्रॉपर वे में जो है इनको कवर करके दिखा रहे हैं। ये चेक करें इस भैंसे की आइज़ देखें आप भाई, माशाल्लाह से ब्लू आइज़ है इसकी। ये चेक करें यार माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये चेक करें, ये फिर जो है ये गेने आ जाते हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे गेने हैं। साइज़ देखें आज ये अमूमन तकरीबन गेने जो हैं वो खड़े हुए हैं इसमें, और लेकिन आप इनका साइज़ देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं, और गोल मटोल छोटे से बिल्कुल क्यूट से बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। इसी तरीके से आगे हम चलते जाएँ तो आपको ये दिखाएँ, तो ये देखें ये भी गेना है, ये जो बराबर में ये सामने जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वक्त, ये देखें ये भी गेना है, लेकिन इस गेने का आप साइज़ देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त साइज़ है भाई इसका, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ का ये गेना है। और इसके बाद ये भैंसा खड़ा हुआ है, इसका अगर आपको साइज़ दिखाएं तो ये चेक करें भाई माशाल्लाह से भारी भरकम भैंसा है। फिर इसके बराबर में जो है ये ऑस्ट्रेलियन बैल है, ये देखें ये दोनों ऑस्ट्रेलियन जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये पहले जो है इसकी लोकेशन चेंज की है, पहले ये सामने बांधे गए थे इस तरफ, और इस वक्त जो है इसको यहाँ पे लाके बांधा गया, लेकिन आप इन्हें ऑस्ट्रेलियन का साइज़ देखें माशाल्लाह भारी भरकम ऑस्ट्रेलियन। और ये तीनों ब्लैक ब्यूटीज़ को जो है ना वो एक साथ इस वक्त बांध दिया गया, पहले ये तीनों ब्लैक ब्यूटीज़ जो है वो अलग अलग बांधे हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है और आज इत्तफाक से ये तीनों खड़े हुए हैं। तो आप देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, इनका साइज़ देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और ये इसके बराबर में जो है ये गुलाबी नुकरा है माशाल्लाह से, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये फिर बकरों का केज आ जाता है यहाँ पर, देखें तो ये बकरे हैं, और ये बकरों के अलावा यहाँ पे आपको दिखाएं तो ये देखें भाई ये चार सिंग वाला दुम्बा जो है आज ये भी प्रॉपर खड़ा हुआ है। ये चेक करें भाई माशाल्लाह से देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखें ये भैंसा है, भैंसे का बच्चा है बेसिकली ये, और साइज़ देखें इसका माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। आज ये सारे छोटे जानवर भी जो हैं वो इत्तफाक से खड़े हुए हैं, अमूमन ये आराम कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें इसका केज आपको पूरा हम आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह से, ये चेक करें यार बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें ये जो खड़े हुए जानवर हैं ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाएँ तो यहाँ से फिर ये कैमल शुरू हो जाते हैं। पहले जो है वो ऊँट थे, लेकिन इतनी तादाद में नहीं थे जितनी तादाद में आज लाए गए हैं। अच्छा, ये डबल तोहान वाला ऊँट जो है हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, और लेकिन इस वक्त जो है इसको यहाँ पे बांध दिए गए। ये पहले डबल तोहान वाला और कुछ ऊँट जो है वो यहाँ पे थे। और अच्छा, ये वाले जितने एनिमल्स हैं इन सारे जानवर को जो है ना पहले यहाँ पे बांधा गया था, लेकिन अब यहाँ पे ऊँट आ गए हैं तो इसलिए अब आपको ऊँट दिखा रहे हैं। ये चेक करें भाई, ये वाइट ऊँट है माशाल्लाह से, और ये देखें भाई ये देखें एक के बाद एक इतने सारे ऊँट जो है, इतनी सारी ऊँट की जो है कुर्बानी वो यहाँ पे JDC पे ही होती है। ये हाउस ऑफ JDC है, और ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी होने वाली कुर्बानी है। और आप ये देखें कितने सारे ऊँट हैं, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये बीच में एक भैंसा आ गया है, ये देखें इसका साइज़ देखें माशाल्लाह से, अच्छा भारी भरकम भैंसा है। और उसके बाद ये देखें ये फिर ऊँट दोबारा कंटिन्यू हो जाते हैं यहाँ से, ये चेक करें भाई ये कितने सारे ऊँट हैं कि ये लाइन से वहाँ से हम इसको कवर करते हुए आ रहे हैं कि ये ऊँट ख़त्म नहीं हो रहे। और उसके अलावा जो है ये बीच में फिर एक भैंसा आ गया है और एक ये बछड़ा बांधा हुआ है इन्होंने, और लेकिन बाकी आप क्या आगे दिखाएं तो ये देखें ये सारे वाइट ऊँट हैं।
और साइज में भी अच्छे साइज के ऊँट है माशाल्लाह से, और खूबसूरत ऊँट है। ये चेक करें भाई, आज दोपहर का टाइम है, अमूमन यहाँ पे रात में जो है वो मेला लगा हुआ होता है। इससे पहले जो हमने आपको कवर करके दिखाया था वो रात में दिखाया था, तो रात में जब यहाँ लाइटिंग होती है तो यहाँ का कुछ माहौल ही बिल्कुल अलग होता है, नेक्स्ट लेवल होता है। लेकिन आज हम दोपहर में आपके लिए यहाँ कवर करने के लिए आए हैं, रश नहीं है तो, लेकिन हम आराम से आपको जो है तमाम एनिमल जो है वो एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। ये चेक करें, ये तमाम जो है वो एंड तक। तमाम चांद बैल जो हैं इनको इस तरफ बांधे गए, जो इससे कबल जो है यहाँ पे बांधे गए थे जहाँ पे आप ऊंट बांधे गए हैं। तो अब ये तमाम चांद बैल जो है इनको इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो चेंज की गई है। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। पहले कुछ चांद बैल जो है थोड़े अलग अलग थोड़े फासले पे बांधे गए थे, लेकिन अब ये देखें माशाल्लाह से दोपहर का टाइम है तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, और सारे एक साथ। सबसे बड़ा भाई ये वाला जो चांद बैल है ना यार, इसकी तो क्या ही बात है। इसके जो सींग है ना मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं माशाल्लाह से, और इसका साइज़ भी अगर आपको दिखाएं तो ये भारी भरकम साइज़ का चांद बैल है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। जो इसकी खूबसूरती है ना वो इसके सींग है। अच्छा ये बाकी भी चांद बैल हैं, लेकिन जो इसकी बात है ना भाई, इसका नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इसके सींग जो है ना बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज़ के, बड़े साइज़ के सींग हैं इसके। और ये इसके अलावा हम आपको दिखाएं तो ये नुकरा बैठा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह से भारी भरकम नुकरा, ये आपको पहले दिखा चुके हैं, ये चांद बैल है। अच्छा कुछ चांद बैल जो है जिस वक्त हम रात में कवर करने आते हैं अमूमन, क्योंकि रात का टाइम जो है ये जानवर अमूमन बैठे हुए होते हैं, लेकिन आज दोपहर का टाइम है तो ये देखें भाई, ये माशाल्लाह से अच्छा भारी भरकम जानवर है। इसका साइज़ देखें, और अभी जगह चेंज की है तो इस वजह से ये और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक साथ बांधे गए हैं, पहले थोड़े अलग अलग बांधे गए थे, और अभी क्योंकि जानवरों की तादाद भी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। और ये देखें ये सिप्पी बांधा हुआ है माशाल्लाह से, भारी भरकम सिप्पी है, और यहाँ जो है ये ऑस्ट्रेलियन बांधा हुआ है, ये देखें, और ये जो है चोलिस्तानी बैठा हुआ है, और ये इसके बराबर में ये देखें ये नुकरा है, और ये एक और सिप्पी है। तो ये तमाम जो है वो JDC के जानवर हैं जो हमने आपको दिखा दिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे जो है बड़े बड़े साइज़ के जंबो साइज़ के जो है वो जानवर हैं। और सामने वाले पोर्शन में अगर आपको दिखाएं तो वो जो हम आपको अब दिखा चुके हैं, बल्कि उस तरफ जो है गेने बांधे हुए हैं, नुकरे बांधे हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो कैमिल बांधे गए हैं। लेकिन ये दोपहर का टाइम है, क्योंकि ये रास्ता है अमूमन गली है, तो इस वजह से इस वक्त यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ़्त भी जारी है, और रात के टाइम जो है इस गली को जो है वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेले का समय होता है और फैमिलीज और बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पे आके इन जानवरों को देखते हैं। भाई ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने आपको एक बार फिर जो है आज JDC के एनिमल जो है एक्सप्लोर करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे, नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।